हेलो दोस्तों, स्टडी विद यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 1 सितंबर और 1 सितंबर 2022 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सुमंगलीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? सुमंगलीला महोत्सव मनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह और यहाँ गवर्नर हैं ला गणेशन। हाल ही में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्यौहार और संगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है ऑप्शन बी 30 अगस्त को, और 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम अधिकार दिवस, और वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2 अगस्त को मनाया गया है पिंगली वैंकेया की 146वीं जयंती। नेक्स्ट है 5 अगस्त, 5 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त, 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। नेक्स्ट है 7 अगस्त, 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट है 8 अगस्त, 8 अगस्त को मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। नेक्स्ट है 9 अगस्त, 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। नेक्स्ट है 10 अगस्त, 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लॉयन डे। नेक्स्ट है 12 अगस्त, 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृति दिवस। नेक्स्ट है 13 अगस्त, 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट है 14 अगस्त, 14 अगस्त को मनाया गया है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। नेक्स्ट है 16 अगस्त, 16 अगस्त को मनाया गया है वेलिंगटन बैटल डे। नेक्स्ट है 17 अगस्त, 17 अगस्त को मनाया गया है पारसी नववर्ष और इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है 19 अगस्त, 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। नेक्स्ट है 20 अगस्त, 20 अगस्त को मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस। नेक्स्ट है 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया गया है खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? US ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क की राजधानी है एल्बेनो। 2022 स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, सर्बिया ओपन टूर खिताब एंड्री रूबलेव रूस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCERB रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के CM है एकनाथ शिंदे और यहाँ गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में मारवत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर AC बस मुंबई में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK कॉप लॉन्च की है? लॉन्च की है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। कश्मीर में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पहली पंचायत बनी है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर 540 मेगावाट की कवार जल विद्युत परियोजना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? डेबिट कार्ड बाजार में शीर्ष पर रहा है SBI। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अपना अमरावती और यहाँ के CM है YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ गवर्नर हैं श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फुट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? यह किया है विश्वभूषण हरिचंदन ने। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये शुरू हुए हैं राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के CM है अशोक गहलोत और यहाँ गवर्नर हैं कलराज मिश्र। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने स्नातकों के लिए
टैंक सेंटर का उद्घाटन करेगी। नेक्स्ट है, संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई है। आज का सवाल है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं।